आई थिंक 170 आई थिंक हम डिफेंड कर सकते थे इजीली, बहुत पार स्कोर था, क्योंकि जिस तरह का विकेट बिहेव कर रहा था, जब रोहित भाई से बात हुई, वो जब बैटिंग करके आया तो वो वही बोल रहे थे कि बड़े शॉट मारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आउट बॉल स्पिन हो रहा है और आउट बॉल नीचे भी रह रहा है, स्केटिंग ऑन हो रहा है। तो वही बात थी हमारी कि 150-160 बहुत ही गुड स्कोर है हमारे लिए, हम डिफेंड कर सकते हैं। तो या 170 हमने जब बनाया तो हमें पता था कि हमने 10-15 रन ज़्यादा बनाए हैं, और प्लान यही था। ऑब्वियसली पावर प्ले में मुश्किल होता है, लेकिन जब आपको पता है कि विकेट से हेल्प मिल रही है, थोड़ी मदद मिल रही है, तो उस टाइम पे आपको ज़्यादा ना सोच के, ज़्यादा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना करके, मुझे लगता था कि जितना मैं कीप इट सिंपल रखूँगा वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। क्योंकि जो ड्रेसिंग रूम में बात हुई थी कि इजी विकेट नहीं है, तो उसके बाद बैट्समैन आके मुझे पता था कि कुछ और चार्ज करेगा मुझे, इतना इजी नहीं है कि सामने मारने के लिए, क्योंकि और बैकफुट से भी नहीं लग सकता था क्योंकि बॉल इतना आ नहीं रहा था। तो मेरा प्लान यही था कि जितना हो सके उनको डिफिकल्ट करूं, उनको सोचने पे मजबूर करूं कि वो और कुछ नया शॉट खेले। तो वही हुआ पहले बॉल पे, तो या वही प्लान था हमारा। हाँ सी, ऐसा तो नहीं कह सकते कि ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ऑब्वियसली जिस दोनों के सेम पिच है वही है, और वो ज़्यादा मुझे नहीं लगता था कि परेशान हो जाते हैं। ऑब्वियसली प्रेशर की बात है उस टाइम पे, और जब आपने स्कोर लगा दिया हो और आप जब चेस कर रहे हो, तो वो प्रेशर में आपको पता है कि विकेट थोड़ा हेल्प कर रहा है बॉलर को। तो एज ए ओपनर जो टॉप 4 में खेलते हैं, तो वो वही सोचते हैं कि जितना हो सके हम पावर प्ले का फ़ायदा उठाएंगे तो वो रहेगा। तो मुझे लगता है कि वही उनकी सोच वही होगी कि पावर प्ले में फ़ायदा उठाने के, बट सक्सेस नहीं मिला ऑब्वियसली। बट वैसा मुझे नहीं लगता कि इंडियन के सामने वो आई थिंक ज़्यादा प्रेशर महसूस करते हैं। और मैं बैटिंग में गया तो ऑब्वियसली मुझे पता था, जब फास्ट बॉलर भी डाल रहे थे मुझे, सब आके स्लोअर डाल रहे थे, और मैं मुझे पता है कि वो स्लोअर डाल रहे, उसके बाद भी मैं नहीं मार पा रहा था, और जो चाहिए वो स्पीड से बॉल आ नहीं रहा था, तो मैं कनेक्ट सही से नहीं कर पा रहा था। तो ऑब्वियसली उससे भी मुझे क्ल्यू मिला कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। जितना के आप जोर से डालोगे वो इजी हो रहा था, जो उन्होंने लेंथ बॉल डाले वो सब इजी हो रहा था। तो अच्छे एरिया पे डालना बहुत ही इजी था। अच्छे एरिया पे डाल के मुझे लग रहा है कि आप किसी ने मारा नहीं है मुझे लेंथ बॉल पे, जो भी अच्छा बॉल गिरा है। तो अच्छी लेंथ और लाइन पे डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो वही मैं महसूस किया, और जब पावर प्ले में आया तो मैंने वही किया। आई थिंक से फर्स्ट बॉल पे विकेट मिला, वो तो प्लान नहीं किया था कि फर्स्ट बॉल पे ही विकेट मिलेगा, तो उसके लिए कुछ नहीं, मैं अपना माइंडसेट यही था कि मुझे अच्छी जगह पे डालना है। और मुझे ऑब्वियसली जब आप नॉकआउट्स खेलते हो तो उस टाइम पे आपका माइंडसेट ये होता है कि आपका फर्स्ट और लास्ट बॉल, जब आप ओवर की शुरुआत और फिनिश अच्छा करें, तो वही माइंड में था। और ऑब्वियसली हर बार जो अच्छा हुआ विकेट के साथ तो वो प्लस पॉइंट था। और स्वीप रिवर्स स्वीप मुझे लगता है कि बड़े शॉट मारना भी मुश्किल था, और स्वीप रिवर्स स्वीप मारना भी मुश्किल था, क्योंकि इस विकेट पे कोई बॉल नीचे रह रहा था, तो इतना इजीली आप कनेक्ट नहीं कर सकते हर बॉल स्वीप रिवर्स स्वीप, क्योंकि बैट्समैन के माइंड में भी डाउट रहता है कि अगर स्वीप मारने जाऊंगा बॉल नीचे रह गया तो पैड पे खा सकता हूँ। तो वो डिपेंड करता है कि आप लाइन लेंथ क्या डालते हो। मोस्टली हमारे स्पिनर ने सब स्टम्प टू स्टम्प रखा था, तो इसलिए स्वीप रिवर्स स्वीप मारना बहुत मुश्किल था इस विकेट पे। और सामने मारने के लिए जितना हो सके उतना सामने मारना पड़ता है, लेकिन जितना हमने वीडियोस देखे उनके बैट्समैन थोड़ा बैकफुट पे रहते हैं, तो इसलिए उनको इतना इजी नहीं मिल रहा था, कि आगे थोड़ा पाँव निकाल के खेलना पड़ता है इस विकेट पे, जिस तरह की विकेट थी। सी ऑब्वियसली कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बड़े मुकाबलों में, और आई थिंक हम सब जो भी मैचेस खेले सब ने वैसा ही सोचा है कि ये हमारे लिए बड़ा मुकाबला है, और इसी तरह के माइंडसेट से चल रहे थे, और वही कोशिश कर रहे थे कि जितना हो सके जब कोई भी पहला दूसरा ओवर डालता है तो कम्युनिकेशन बहुत ही इजी हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि विकेट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियसली मैं और जड्डू भाई और कुलदीप से मैं बात करता रहता हूँ कि जब मैं पहली ओवर डालता हूँ तो विकेट से ये हो रहा है ये नहीं हो रहा है, आई थिंक तेज़ वाला बॉल थोड़ा रुक के जा रहा है। तो मैं जब फर्स्ट ओवर में जड्डू भाई ने भी बॉल डाला, उसके बाद मैंने जब 10 ओवर का ब्रेक हुआ था तो उसमें मैंने उनको यही बोला कि जो हमारी लाइन लेंथ है इधर वो थोड़ी रुक के जा रही है, तो उनको कट मारने में इजी हो रहा है, तो आप थोड़ा और ऊपर जा सकते हो और पेस में भी वेरी कर सकते हो, इस विकेट पे इतना इजी नहीं है। तो आई थिंक उसके बाद उन्होंने अच्छी बॉल भी डाली, तो या कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो और वही हम करते रहते हैं कि इन बिटवीन द ओवर्स और जब भी टाइम मिलता है।
Yeah, obviously it feels very good when you performs and team wins, and I think not a good idea to perform on a knockout match and you got a man of the match. So obviously feeling good, and most of the I'm feeling good about that. We win the match when you perform, and if team doesn't do well, then it doesn't matter. So I think feeling good, we close to the one step and close to the trophy. So yeah, feeling good.